आज हम कक्षा 11वीं में कुछ फार्मूलों को सिद्ध करने जा रहे हैं। जिन फार्मूलों को हम जानते हैं उसी की सहायता से हम अन्य फार्मूलों को कैसे बनाएं, कैसे ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, इकाई 3, जैसे हम में से सब जानते हैं साइन ए प्लस बी का मान वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। इनको हम समीकरण नाम देते, इसको समीकरण नाम दिया एक। दूसरा फार्मूला हम जानते थे साइन ए माइनस बी बराबर से साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, ये समीकरण होगा दूसरा। इन्हीं दोनों समीकरणों को यदि जोड़ दिया जाए, इन्हीं दोनों समीकरणों को यदि हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो बनने वाला जो पद है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम क्या लिखें, इन दोनों समीकरण कौन से समीकरण, एक धन समीकरण दो, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। जोड़ने पर देखिए क्या होता है, इसका बाया पक्ष होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बराबर। इसके दाहिने पक्ष को ध्यान से देखिए तो हम पाते हैं कि दाहिने पक्ष में ये पहला पद धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, लेकिन ये और ये दोनों के आगे अपोजिट साइड, मतलब इससे ये पूरा पूरा घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये दोनों पद एक दूसरे को पूर्णतः घटा लेंगे और ये दोनों पद एक दूसरे को जोड़ लेंगे। तो यहां जो मान होगा वो होगा टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3। यदि पुनः हम क्या करें, समीकरण एक में दो को जोड़ने की बजाय समीकरण एक में से यदि हम समीकरण दो को घटाते, समीकरण एक और दो को जोड़ने की बजाय समीकरण एक में से दो को क्या करते हैं, घटाने पर समीकरण एक हमारे पास है साइन ए प्लस बी बराबर से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये समीकरण एक था। समीकरण दो साइन ए माइनस बी बराबर से साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, हमने लिखा है समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, मतलब समीकरण दो के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये जो धन चिन्ह है वो परिवर्तित होके काहे में ऋण में बदल जाएगा। यहां भी कोई चिन्ह नहीं लिखा, मतलब धन है, तो धन परिवर्तित हो जाएगा ऋण में और ऋण परिवर्तित हो जाएगा धन में। अब हम इन नए चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे, तब पाएंगे कि ये जो पद है यानी पहला वाला पद है, ये दोनों एक दूसरे को पूर्णतः घटा देंगे और बचने वाला पद है जब जो घटाते हैं तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर से कासे साइन बी कासे साइन बी, ये दोनों पदों को ध्यान से देखिए, ये दोनों पद आपस में जुड़ जाएंगे, टू कासे इंटू
ये समीकरण है। इसी प्रकार से हम एक और फार्मूले, दो फार्मूले और जानते हैं, ये साइन के जैसे फार्मूले थे बिल्कुल, इसी प्रकार से हमको cos a + b और cos a - c के भी मान के फार्मूले पता है। इसी प्रकार से जानते cos a + b क्या होता है, cos a into cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये समीकरण नंबर 5। पुनः हम जानते cos a माइनस बी बराबर इस cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये समीकरण है। बहुत से विद्यार्थियों को यहां कंफ्यूजन होगा कि यहां जब धन का चिन्ह है तो यहां धन का चिन्ह, यहां ऋण का चिन्ह है तो यहां ऋण का चिन्ह, जबकि काश में यहां धन का चिन्ह है तो यहां ऋण का चिन्ह, यहां ऋण का चिन्ह है तो यहां धन का चिन्ह, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे के लॉजिक को हम थोड़ा सा इस जिन मानों को हम जानते हैं उससे समझे। किन मानों को जानते हैं, तो हमने से सब जानते हैं कि यदि जीरो अंश का मान हो, शून्य अंश का मान हो तो हमारे पास शून्य है, 30 अंश का मान हो तो हमारे पास 1/2 आता है, 45 अंश का मान हो तो हमारे पास 1/2 आता है, 60 अंश का मान हो तो हमारे पास साइन 60 अंश का मान 3/2 आता है, और 90 अंश का मान हो तो हमारे पास 1 आता है। इसके विपरीत यदि cos में हम देखें तो cos 0 अंश का मान 1 आता है, 30 अंश का मान 3/2 आता है, अगला मान 1/2 होगा, फिर 1/2 होगा, इसके बाद 0 होगा। हम इसे सब जानते हैं मानों के बारे में, ये जो 3/2 है ये वास्तविकता में 1.7321 है, जिसमें अगर अपन 2 का भाग दें तो हमको मान मिलता है 2×8=16, 2×6=12, 2×6=12 और इस तरीके से मान मिलता है, यानी कर्णी 3/2 वास्तविकता में 0.8665 है। 1/2 कर्णी 2 कक्षा 9 में जैसे कि हमने इसका हर का परिमेयकरण करके मान निकाला था, तो ये मान आपके पास आता है 1.414 में जब आप 2 का भाग देते हैं तो ये मान आता है 0.707। और 1/2 का मान जैसे कि हम जानते हैं वो होता है 0.5। कहने का मतलब है जब साइन के मानों को देखें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.707 है, यहाँ पर 0.86 है, यहाँ पर 1 है। यदि हम साइन के मान को देखें तो जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी बढ़ता है। इसके अपोजिट कास के मान को देखें तो 0.0 सबसे अधिक, कोण थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मान घट गया, और बड़ा हुआ तो मान और घटा, कोण और बड़ा हुआ तो मान और घटा, यानी ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह व्युत्क्रमानुपाति निर्देशन करता है। और साइन का मान समानुपाति निर्देशन करता है, समानुपाति और व्युत्क्रमानुपाति को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यदि अपने पास खाने वालों की संख्या बढ़ती है तो हमको भोजन की मात्रा को बढ़ानी पड़ती है। इसके विपरीत व्युत्क्रमानुपाति का मतलब होता है यदि हमारे पास किसी कार्य को 10 मजदूर 50 दिन में पूरा करते हैं और अगर हम 20 मजदूर लगा दें तो हमारा कार्य 25 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी कोण का मान बढ़ने से यहां भी मान बढ़े, कोण का मान बढ़ने से यहां ध्यान से देखेंगे यहां भी मान बढ़ रहा है, इसलिए यह समानुपाति विचरण है। लेकिन काश में कोण का मान बढ़ने से मान घटता है, इसलिए यहाँ ए धन बी है तो यहाँ भी धन होगा, क्योंकि इधर मान बड़ा होगा तो इधर भी मान बड़ा होगा,
इधर मान छोटा होगा इधर भी मान छोटा होगा, यहां मान बड़ा होगा तो यहां मान छोटा होगा, क्यों? क्योंकि कोण बढ़ेगा तो मान घटेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर अपन इसको याद रखने का प्रयास करें तो निश्चित है यहाँ पर बिल्कुल गड़बड़ी के चांस नहीं होते। अन्यथा अक्सर यहाँ पर चिन्ह कंफ्यूज करते हैं कि कौन से में धन आएगा कौन से में ऋण। पुनः यदि हम समीकरण पांच में समीकरण छह को यहाँ जोड़े, समीकरण पांच में समीकरण छह को यदि हम जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिए ये जो विपरीत चिन्ह वाले पद है ये एक दूसरे को पूर्णतः घटा देंगे तो और क्या हो जाएगा cos a plus b plus cos a minus b बराबरी से ये दोनों जुड़ गए, दोनों जुड़ के होंगे 2 cos a into cos b, ये हमको मिला समीकरण नंबर। पुनः यदि जैसे अभी अपन ने समीकरण पांच में समीकरण छह को जोड़ा, यदि हम समीकरण पांच में से समीकरण छह को घटा दें, समीकरण पांच में से समीकरण छह को घटा दें, समीकरण पांच cos a plus b बराबरी से कासी इंटू कासी माइनस साइन इंटू साइन, ये समीकरण पांच है कास ए माइनस बी बराबरी से कासी इंटू कासी प्लस साइन इंटू साइन, ये समीकरण यदि हम घटा भी देता है इसका मतलब है यहाँ जो धन के चिन्ह है जहाँ कोई चिन्ह नहीं भी दिखाई दे रहा है वहां भी चिन्ह धन के है तो इन चिन्हों को हम बदल देंगे, जहाँ धन का चिन्ह है वहां ऋण, जहाँ धन का चिन्ह है वहां ऋण, लेकिन जहाँ ऋण होगा वहां धन, लेकिन ये तीनों ही ऋण में बदल गए तो अब आपके पास में इससे जो पद मिलेगा कुछ इस प्रकार से cos a plus b माइनस cos a माइनस b बराबर से ये दोनों पद एक दूसरे को हटा देंगे और ये दोनों पद जुड़ेंगे लेकिन इनके साथ में चिन्ह ऋण का ही होगा, ये लिखेंगे ऋण दो साइन इंटू साइन। इस ऋणात्मक चिन्ह को धन में बदलने के लिए हम इधर जिसके पास धन है उसमें ऋण और जिसके पास ऋण है उसमें धन चिन्ह लगा देंगे, यानी पदों को हम आगे पीछे कर देंगे, इस पद को पहले लिखकर इसके आगे के ऋण को धन में और ये धन को ऋण में बदल देंगे और यहां चिन्ह हो जाएगा ऋण से धन। तो ये फार्मूला बन जाता है कुछ इस प्रकार से कौन सा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b बराबरी से यहां ऋण धन में बदल जाता है और ये मान हमारे पास इस प्रकार से कंप्लीट हो गया, ये समीकरण नंबर वन। तो आज अपन ने इन चार समीकरणों की सहायता से चार समीकरणों को बनाया, मूल समीकरण सूत्र हमको याद रखना है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, अगर हम उसको याद रखते हैं तो इसकी सहायता से हम मन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न कुछ इस फार्मूले पर आधारित है कुछ इन फार्मूलों पर आधारित है, परीक्षा हाल में कई बार हम फार्मूले भूल जाते हैं तो बेसिक फार्मूले अगर आप याद रखते तो अन्य फार्मूले आपको बड़ी जल्दी याद आएंगे। आज के लिए इतना ही, शेष अगले फार्मूले को अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।